हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन. आई एम दीप्ति. टुडे आई विल टीच यू ईवीएस. टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 3 एनिमल वर्ल्ड. तो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? थर्ड चैप्टर, एनिमल वर्ल्ड. तो एनिमल वर्ल्ड में क्या, सबसे पहले क्या होता है, जो वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है. एक तो होती हैं लिविंग और दूसरी होती हैं नॉन लिविंग्स. नॉन लिविंग्स तो यहीं ख़त्म हो जाती हैं, जो डेड होती हैं इनकी तो बात कर नहीं सकते हम. जैसे कि बेंच जो रिस्पॉन्स नहीं करती, वो नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं. जैसे लिविंग्स में हम बात करते हैं, अब इसमें लिविंग्स में दे कैन ब्रीथ, दे कैन फील, दीज आर द लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स में दो तरीके से कैटेगराइज की गई हैं चीज़ें, एक तो प्लांट में और एक एनिमल्स में. तो यहाँ आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अभी तक स्टडी की थी प्लांट्स की, अब थर्ड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स की. तो एनिमल्स, एनिमल वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं एनिमल्स की, जो कहाँ रहते हैं, फाउंड ऑन अर्थ, जो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं. सम ऑफ द एनिमल्स आर बिग. जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिग होते हैं. और वाइल सम आर स्मॉल, जो सम उसमें क्या होते हैं, स्मॉल्स होते हैं. और अब इनको जैसे चार तरीके में कैटेगराइज किया गया है, वेरी बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल, वेरी स्मॉल एनिमल्स. वेरी बिग एनिमल्स में क्या देखते हैं हम, जो उनका साइज है, वेट है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं. उनमें जो बिग एनिमल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट, वेल्स, जिराफ आर द सम वेरी बिग एनिमल्स. और जो बिग एनिमल्स होते हैं उनमें किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, लायंस, टाइगर, काओ, हॉर्सेस एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं, बिग एनिमल्स में होते हैं. अब थर्ड कैटेगरी में कौन से होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं. स्मॉल एनिमल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकी, ऑक्टोपस, टोर्टोइस, रैबिट. ये क्या होते हैं, हमारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं. उसके बाद फोर्थ कैटेगरी में क्या होते हैं, वेरी स्मॉल एनिमल्स होते हैं. वेरी स्मॉल एनिमल के एग्जांपल हैं माउस, फ्रॉग, प्रॉन, कैमेलियन एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल एनिमल होते हैं. तो ओवरव्यू हम एनिमल वर्ल्ड में देखें तो मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ स्पीसीज कहाँ मिलती है, हमें अर्थ पे मिलती है, जिसमें चार कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है. पहले होते हैं वेरी बिग एनिमल्स, फिर होते हैं बिग एनिमल्स, फिर होते हैं स्मॉल एनिमल, फिर होते हैं वेरी स्मॉल एनिमल्स. और इनके एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताए हैं. यहाँ देख सकते हैं हम इनके पिक्चर्स जो गिवन है, वेरी बिग में ये वाले और बिग में ये, इसके बाद आते हैं स्मॉल और वेरी स्मॉल. अब बात करते हैं हम मोड ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, इससे हम क्या समझते हैं, जैसे मोड ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी देखते हैं, तो हमारे अंदर जो मूवमेंट, जो हमारी गति है, जो जो हम चलते फिरते हैं उसकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, वो एनिमल्स में डिफरेंट होती है, ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट होती है. इन ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे कि हम एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसी तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. दे मूव इन सर्च ऑफ फूड. वो किसके लिए जाते हैं, भोजन की तलाश के लिए क्या करते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. बट ऑल एनिमल्स डू नॉट मूव इन द सेम वे. लेकिन जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सेम वे में मूव नहीं करते, उनका
मूवमेंट करने का तरीका अलग होता है और कुछ में अलग होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं वॉक करते हैं, वो चलते हैं, कुछ क्या करते हैं क्रॉल करते हैं रेंगते हैं, और कुछ क्या करते हैं फ्लाई करते हैं जो उड़ते हैं, एंड सम स्विम कुछ तैरते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ मूवमेंट है वो क्या है डिफरेंट है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिट मसल्स विंग्स, क्या करते हैं वो मसल्स से फिट से और विंग्स से क्या करते हैं मूव करते हैं। तो ये मोड होते हैं मूवमेंट के एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में तो ये अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें आते हैं आपके ग्रास ओपर, कॉकरोच, एंट, क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाई। इनमें क्या होते हैं सिक्स लेग्स होती हैं और इनको हम बोलते हैं हेक्सापोड्स। जिनके पास सिक्स लेग्स होती हैं उनको बोलते हैं हम इंसेक्ट्स। और ये क्या है इनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं ये। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, जो इंसेक्ट की बॉडी है वो क्या करती है थ्री पार्ट कंटेन करती है जिनसे वो बनी होती है। फर्स्ट वन होता है हेड, सेकंड वन इज थोरेक्स और थर्ड वन होता है एब्डोमन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अंट। ये वाला पार्ट कौन सा होता है हेड होता है और ये वाला पोर्शन क्या होता है थोरेक्स होता है और लास्ट वाला ये वाला क्या होता है एब्डोमन होता है। तो ये इसको डिफाइन इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, ये इसका हेड है, ये थोरेक्स है और ये एब्डोमन है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें जो हेड है हेड को हम क्या बोलते हैं सिर बोलते हैं। उसके बाद जो थोरेक्स होता है थोरेक्स को जो हमारे अंदर चेस्ट पार्ट होता है इनमें क्या बोला जाता है उसको थोरेक्स बोला जाता है। उसके बाद जो एब्डोमन जो पेट होता है हमारा जो स्टमक होता है उस वो किस चीज किस में इंक्लूड किया जाता है वो एब्डोमन पार्ट में आता है, जो लोअर पार्ट होते हैं उसको कंसिडर करते हैं हम एब्डोमन में। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट क्रॉल वाइल सम लाइक कॉकरोच कैन इवन फ्लाई। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं क्रॉल करते हैं, वो रेंगते हैं, और उसमें कुछ होते हैं जो क्या करते हैं फ्लाई करते हैं। उसमें एग्जांपल हम कॉकरोच का लेते हैं जो क्या करता है फ्लाई करता है, आपने देखा भी होगा। मोस्ट ऑफ देम हैव ए पेयर ऑफ एंटीना, उनके पास क्या होता है पेयर ऑफ एंटीना होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये वाला क्या होता है एंटीना होता है जो हेल्प करता है उनको किस चीज़ में स्मेल करने में, फील करने में, टेस्ट करने में, मतलब उनको उस चीज़ को महसूस करने में, टेस्ट करने में। और तो सेम केस हमारे अंदर जैसे कि टंग होती है, टंग से हम क्या करते हैं हमारे टंग्स पे क्या होते हैं बर्ड रिसेप्टर होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। सेम केस इनके पास क्या होते हैं एंटीना जो स्मेल में, फील में और टेस्ट करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं आपने देख भी रखे होंगे छोटे छोटे क्या होते हैं वो कीट होते हैं जो क्या होते हैं स्मॉल क्रिएचर होते हैं और क्या होती है उनकी शेप लॉन्ग होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल यहाँ पे है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सभी ने देखा होगा, अर्थवॉर्म में क्या होता है दिखने में क्या है ये बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है, साइज क्या होता है इसका बिल्कुल स्मॉल। तब तक ये बॉडी मूवमेंट नहीं करता तब तक क्या है ये स्मॉल साइज का होता है, बट आफ्टर इसकी मूवमेंट के ये क्या कर देता है क्रॉल करना शुरू कर देता है तो इसका जो साइज है वो क्या हमें पता चलता है। Their bodies have divided into many segment, और जो इनकी जो बॉडी होती है उन पर क्या होती है सेगमेंट प्रेजेंट होती है। सेगमेंट से आप क्या समझते हैं, तो सेगमेंट्स क्या होती हैं ये जो पार्ट है जो जिसको हम हिस्सा बोलते हैं इसको क्या है ये सारी सेगमेंट्स जो प्रेजेंट होती हैं इसकी बॉडी पे ये होती हैं सेगमेंट्स।
ये क्या करती हैं, क्रॉल करती हैं। क्रॉल करने में मतलब हेल्प करती हैं इसमें, सेंटीपेड में, मिलीपेड में और अर्थवर्म में। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, वर्म्स के। जो अर्थवर्म है इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, फाइव टू सिक्स वीक्स की होती है। और अगर हम बात करें सेंटीपीड की, इसकी होती है 5 to 6 मंथ की। तो ये वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अर्थवर्म कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड एज दे मेक द सोयल फर्टाइल्स। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं हम, जो फार्मर्स होते हैं उसका ये फ्रेंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को क्या कर देता है, फर्टाइल बना देता है, उपजाऊ बना देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फार्मर्स फ्रेंड। तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में क्या है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स होती हैं, और जो इनकी क्लास होती है वो कौन सी होती है, एव्स होती है। और इसमें डिफरेंट कलर्स की क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका फीदर का स्ट्रक्चर अलग होता है, मॉर्फोलॉजी अलग होती है उनकी। तो देर आर द वंडरफुल क्रिएचर्स, ये क्या है, एक अद्भुत क्रिएचर्स हैं जो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। दे हैव द लेग्स एंड विंग्स, इनके पास क्या होती हैं, लेग्स होती हैं और क्या होती हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, और वो किसकी मदद से क्या करते हैं, उड़ते हैं, विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो उड़ते हैं। दे हैव बीक्स, उनके पास क्या होती है, बीक्स क्या होती है, चोच, उनके पास क्या होती है, चोच होती है, विच सूट्स फॉर देम फीडिंग हैबिटेट, वो किसके लिए काम आती है, उनको जो खाना खाने के लिए क्या करती है, वो हेल्प करती है, फीडिंग हैबिटेट के लिए यूज़ होती है। तो जो फीडर्स हैं, उनके बाद फीडर्स में दो तरीके से क्या है, डिवाइड किया गया उनको, एक होते हैं डाउन फीडर, एक होते हैं फ्लाइट फीडर। डाउन फीडर जो क्या होते हैं, वो लाइट होते हैं, जो डाउन फीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जो ये यहाँ दिखा रखा है ये कौन से वाले हैं, ये डाउन फीडर हैं, और ये जो नीचे वाला है ये कौन से हैं, फ्लाइट फीडर है। डाउन फीडर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ये लाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो नॉर्मली जो आपने कबूतर देखा होगा घर में, उसमें क्या है, जो उसके जो छोटे छोटे पंख होते हैं, लाइट होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं, उनको बोलते हैं हम डाउन फीडर, जो क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं एंड कीप देम वार्म, और उन्हें वो क्या गर्म रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये वाले होते हैं डाउन फीडर। जो फ्लाइट फीडर होते हैं वे किस लिए काम आते हैं, वो होते हैं लॉन्ग और स्ट्रोंग, ये वाले स्ट्रोंग होते हैं और लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन फीडर। डाउन फीडर में शॉर्ट थे, लाइट थे, फ्लफी थे, फ्लाइट फीडर में लॉन्ग है और स्ट्रोंग है। दे आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, विंग्स पे एंड टेल, यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ये वाले क्या है, लॉन्ग फीडर है। दे हेल्प टू बर्ड टू फ्लाई, ये क्या हेल्प करते हैं, बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स में हमने देखा उनके पास क्या होती हैं, लेग्स होती हैं और विंग्स होते हैं, उसके बाद उनके पास क्या होती है, बीक्स होती है, जो फीडिंग हैबिटेट में हेल्प करती है। फर्दर फीडर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, तो ये टू टाइप्स की हैं, डाउन फीडर और फ्लाइट फीडर, ये यहाँ आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं बर्ड स्टॉक की, बर्ड्स कैसे बात करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि हम बोलते हैं एक दूसरे को, अपनी बात बताने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं। सेम वे बर्ड्स क्या करते हैं, वो भी एक दूसरे से क्या करते हैं, टॉक करते हैं। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। नाइटिंगेल सॉन्ग इज द स्वीटेस्ट एट ऑल, ये क्या है, सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग है, जो क्या है, कुकू ऑल्सो हैज़ ए वेरी स्वीट वॉइस, जो कुकू है, कोयल है, जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्या है उसकी साउंड क्या होती है, बहुत ही सुरीली होती है। पैरेट मैनास एंड पैराकिट्स कैन इमिट ह्यूमन टॉक, जैसे कि पैरेट तोता होता है, मैना वगैरह पैराकिट्स हैं, ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं ह्यूमन की टॉक को, तो वो क्या कर लेते हैं, बातों को समझते हैं। तो ये इंक्लूड होता है बर्ड्स टॉक में। उसके बाद हम करते हैं फीडिंग बर्ड्स,
फीडिंग बर्ड्स में क्या होता है, जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो अपना जो उनका फूड होता है वो क्या क्या लेते हैं, जनरली दे फीड ऑन द फ्रूट सीड ग्रेन्स। क्या क्या लेते हैं वो, फ्रूट जो फल होते हैं वो, सीड जो बीज होते हैं, ग्रेन्स जो अनाज होता है। बर्ड्स डू नॉट गेट इनफ फूड इन सिटीज़। क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, जो सिटीज़ होती हैं उनमें उनको ज़्यादा फूड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो पीपल रहते हैं, वो क्या है, उन्हें फीड नहीं करते। और विलेजेस में क्या होते हैं, क्रॉप्स वगैरह होती हैं, उनसे भी क्या है, वो फीड अप करते हैं खुद को। एज देयर आर ओनली अ फ्यू ट्रीज़, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे, बहुत लेस अमाउंट में क्या होते हैं, ट्रीज़ वगैरह होते हैं, जिससे वो फीड नहीं कर पाते। वी शुड अरेंज देयर फूड, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए फूड। वी कैन फीड दैम बाय पुटिंग सम राइस, और हमें, हम उनके लिए क्या डाल सकते हैं, कुछ चावल जैसे कि गेहूँ, मक्का, ये सारी चीज़ें हम उनके लिए डाल सकते हैं ऑन द रूफ, कहाँ पे, छत पे या किसी भी ओपन प्लेस पे। वी शुड ऑल्सो प्लेस वाटर फॉर दैम, तो कुछ हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं अपनी घर की छतों पर या किसी भी ओपन प्लेसेस पे। उसके बाद हम बात करते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो क्या होते हैं, जो लुप्त हो चुके हैं। देर आर मैनी एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर पहले हम देखते थे, हमने सुना भी होगा हमारे जो बुजुर्ग होते थे कि पहले इस तरीके के क्या होते थे, एनिमल्स पाए जाते थे, बट अब क्या है, वो लुप्त हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब दिखाई नहीं देते, तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। द एनिमल्स विच लिव्ड मैनी ईयर्स एगो ऑन द अर्थ एंड नॉट सीन दोज डेज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, तो जो पहले दिखाई देते थे वो अब नहीं दिखते, तो वो कौन सी स्पीसीज है, कौन से एनिमल्स है, वो एक्सटिंक्ट एनिमल है। इसमें एग्जाम्पल किसका है, डायनासोर एंड डूडोस। अब ये एनिमल्स क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, ये हमें कहीं नहीं दिखाई देते। वेयर एज जहाँ पे हम जू में जाते हैं तब भी वहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी है। जैसे कि वाइट एलिफेंट, वो भी क्या है, एक्सटेंट हो चुका है। आर द एनिमल्स दैट नॉट सीन दीज डेज, डायनासोर वर हूज एनिमल एंड डूडोज वर बर्ड्स, ये तो क्या है, बर्ड्स होते हैं और ये क्या है, एनिमल्स होते हैं, जो क्या है, अभी एक्सटेंट हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम एनी फोर बिग एनिमल्स। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन से जो बिग एनिमल्स होते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं आपको। आपको बताया गया था शुरू में, तो आपको याद होंगे वो कौन कौन से होते हैं, लायन, टाइगर, काओ, हॉर्स आर द बिग एनिमल्स, ये कौन से होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के कौन से तीन पार्ट हैं, वे आपको यहाँ पे बताने हैं। देर आर द थ्री पार्ट्स इंसेक्ट के, एक होता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, जो वहाँ इंसेक्ट में आपको अंट के स्ट्रक्चर में दिखाया था, तो वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे उड़ते हैं, बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, वो किसकी हेल्प से उड़ते हैं, अपने पंख की वजह से उड़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी पीडीएफ में है, तो वहाँ से आप उनको सॉल्व कर लेना और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट होगा एक दो यूनिट के बाद, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।